कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, कोई और आपसे ज्यादा कामयाब होगा, कोई किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा, कभी ये ख्याल आता है? ऐसा होगा नहीं। मैं मॉडेस्ट हूं जैसा बता चुके हैं ना, लेकिन ऑनेस्टली हाँ ऐसा बोल दो, बोलो ना, द लास्ट ऑफ द स्टार्स। You're the last of the stars. इज द शाहरुख खान लास्ट ऑफ द स्टार? तो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड का बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था। वो इसलिए क्योंकि इधर बड़े से बड़े सुपरस्टार की फिल्म लगातार फ्लॉप हो रही थी, इसमें शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या आमिर खान हो और कोई भी एक्टर हो। तो दोस्तों, जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तब से बॉलीवुड का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बॉलीवुड का हर जगह बायकॉट करने की मांग जोरों शोर पर चलने लगी थी, क्योंकि सुशांत सिंह की डेथ के बाद हर कोई बॉलीवुड को ही दोषी मानना जा रहा था। गाइस, इसमें बॉलीवुड की फिल्मों का अच्छा ना होना ये भी एक फिल्म की बायकॉट की वजह बन रही थी, और जो फिल्में अगर अच्छी भी होती थी तो और वो भी इस बायकॉट के चक्कर में उन्हें पूरी तरीके से अप्रिशिएशन नहीं मिल पाता था। इसमें शाहरुख खान की फैन हो, जीरो हो, गाइस इन फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था, जिसमें फैन मूवी में शाहरुख खान एक सुपरस्टार के ही फैन बने हुए थे, कि कैसे एक फैन अपने सुपरस्टार के लिए कितना पॉजेसिव हो जाता है और एक तरीके से पागल ही हो जाता है। और गाइस, हमने जीरो मूवी में देखा है कि कैसे एक बौना आदमी चांद तक जाता है। जैसे हम पहले देखते थे बॉलीवुड में कोई सुपरस्टार अपने रोल के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो नहीं करता था, वहीं ऊपर से कोविड में सुशांत सिंह की डेथ के बाद बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका लगा था, जिससे हर जगह बॉलीवुड का बायकॉट शुरू होना चालू हो गया था, क्योंकि हर कोई बॉलीवुड को ही सुशांत सिंह की डेथ का जिम्मेदार मान रहा था। गाइस, इसी दौरान जो भी फिल्में बॉलीवुड में आई थी वो फिल्म अच्छी होने के बावजूद भी बायकॉट गैंग के कारण फ्लॉप करवा दी गई थी। गाइस, यही नहीं, इसमें बॉलीवुड का भी थोड़ा बहुत रोल है, क्योंकि बॉलीवुड ने उस तरह की फिल्में नहीं बनाई, साउथ इंडस्ट्री मूवी बना रहा था, जिसमें साउथ में बाहुबली 2, KGF 2, RRR जैसे सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी देना स्टार्ट कर दी। तो सबको यही लग रहा था कि अब बॉलीवुड को बचाएगा कौन, क्योंकि बॉलीवुड खत्म होता जा रहा था। गाइस, यही सब सोच रहे थे कि बॉलीवुड को बचाएगा कौन, तो जिसमें एक मूवी का अनाउंसमेंट होता है, वन एंड ओनली पठान। तो लोगों को लगा ये मूवी बॉलीवुड को बचा सकती है, जिसमें लीड रोल में थे शाहरुख खान, द किंग ऑफ बॉलीवुड। बट ऐसा होने से पहले इस फिल्म का बायकॉट होना स्टार्ट हो गया था। और गाइस, मैं आपको एक बार बता दूं, जितना इस फिल्म का बायकॉट हुआ था उतना ही ज्यादा कलेक्शन इस मूवी ने किया था। गाइस, पठान ने पहले ही दिन बॉलीवुड में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करना स्टार्ट कर दी थी, और दोस्तों पठान मूवी अब तक की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी भी बन गई थी। वहीं अब सबको लगने लगा कि बॉलीवुड को सिर्फ एक ही बंदा बचा सकता है, जिसका नाम है शाहरुख खान। तो वही पठान के बाद बॉलीवुड की मूवीज का फिर से फ्लॉप होना स्टार्ट हो गया था। फिर सबको उम्मीद थी शाहरुख खान से ही, क्योंकि शाहरुख खान दोबारा से एक्शन करते हुए नजर आ रहे थे, जिस मूवी का नाम था जवान। तो दोस्तों, जैसा अब जवान मूवी रिलीज हो गई है और ये मूवी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बनती जा रही है, जो आने वाले टाइम में पठान के रिकॉर्ड को, जो 1050 करोड़ है, उसको सरपास कर देगी और बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी हिस्ट्री की बन जाएगी। और दोस्तों, शाहरुख खान यही नहीं रुकने वाले, अभी आने वाले कुछ मंथ बाद शाहरुख खान की एक और मच अवेटेड मूवी डंकी भी रिलीज होने वाली है, जो बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की है। ये मूवी कितना कमा सकती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, बॉलीवुड को एक ही एक्टर है जो बचा सकता था और जिसने बचा लिया है, एक तरह से देखा जाए तो, जिसने बॉलीवुड को एक नया जन्म दिया है, द वन एंड ओनली शाहरुख खान, जिसे बादशाह बोला जाए, किंग ऑफ रोमांस बोला जाए, किंग ऑफ एक्शन बोला जाए और द लास्ट ऑफ द स्टार बोला जाए, इन्हें किसी भी टाइटल से नवाजा जाए वो गलत नहीं है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और शाहरुख खान फैंस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को हर जगह फैला दो। जय हिंद।